ये जो प्रचार चल रहा है कांग्रेस का, इसमें अब हनुमान जी की एंट्री भी हो गई है। दिखाते हैं हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के चुनाव में भी बजरंगबली की एंट्री हो गई है। हमने देखा है शहर में दो तीन जगहों पर 30 फीट से ज्यादा बड़ी गदा रखी हुई है और अब साक्षात हनुमान जी ग्वारी घाट में। हनुमान जी ने मेकअप लगाया हुआ है और मास्क पहना है, तो शायद बोल नहीं पाएंगे, बोलने में दिक्कत हो रही है। तो आपके लिए हम पुजारी जी से बात करते हैं। सर, हनुमान जी की एंट्री क्यों चुनाव में? देखिए, धार्मिक आयोजन है तो इसलिए, देखिए भगवान का अगर दृश्य हो जाए तो इससे अच्छी और क्या बात है सर। अच्छा जी, लेकिन हमने खास तौर पर देखा है कि एक प्रयोग हो रहा है, क्या आप लोगों से कहा गया है कि हनुमान जी को या गदा को इस तरह से प्रमुखता से रखना? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग अपनी स्वयं अपनी मर्जी से आए हैं और ये हनुमान जी के स्वरूप में जो कलाकार हैं वो भी अपनी मर्जी से आए हैं। अच्छा, और क्या है, हम लोग तो क्या है, नर्मदा मैया जी के दर्शन हो जाए इसलिए। अच्छा अच्छा, आपका शुभ नाम? अभी तिलकधारी। अभी तिलकधारी जी, हम लोग मेरठ यूपी से आए। अच्छा, आप यूपी से हैं, तो आप भी यूपी से हैं? जी जी। इनका नाम? इनका नाम विजय कुमार। विजय कुमार जी, विजय कुमार जी, आप आशीर्वाद कैसे देंगे? बोल नहीं पाएंगे। चलिए, विजय कुमार जी वेशभूषा में आए हैं इस तरह जगह जगह पर, मेरठ से आए हैं और इनके साथी जो पुजारी हैं वो भी आशीर्वाद दे रहे हैं इनके लिए। ये जो वेशभूषा है इसमें मुश्किल होती है इनको चलना बोलना, लेकिन फिर भी यहाँ पर आए। ग्वारी घाट से अपने सहयोगी रिजवान खान, संजीव चौधरी और राजू के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।